प्रोग्राम मेरा सीआर का ही है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के लगातार प्रोग्राम देख रहा हूँ और कवरेज करने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता वो हमें बुलाने का काम करते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑल के अंदर खचाखच ऑल भरा पड़ा है, चाहे आगे की बात हो चाहे पीछे की बात हो, यानी ना तो ऑल के अंदर आदमी नावड़ है और ना ही स्टेज के ऊपर आदमी आपको कहीं ना कहीं नावड़ते हुए दिख रहे होंगे। यानी यह है कि उमड़ उमड़ के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे कुछ लोगों की वजह से, अब जिस नेता ने ये इतना बड़ा बीड़ा उठाया, किसी नेता ने इतना बड़ा काम शुरू किया, अपनी नेतागिरी के लिए काम किया, अपनी पार्टी के लिए करने का काम करे, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं अंदर जो मनमुटाव वाली बातें हैं, जो चेहरा चमकाने वाली बात है, वो इस पार्टी के नेताओं को भी और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में मोड़ने को मजबूर करते हुए देखे जा सकते हैं। ये बात कड़वा सकता है आज कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के ऑफिस कार्यालय के अंदर से, क्योंकि मैं नहीं बोलता, अब काफी लोगों के अंदर नाराजगी भी है, काफी लोगों के अंदर बातें भी हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये कड़वा सच है आज के दिन इसी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लिए कि यहाँ के नेताओं की वजह से ही आज जो ये चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं कमजोर होने का काम हो सकता है भविष्य के गर्भ के अंदर, क्योंकि 25 मई अभी दूर है, आज 13 मई तो ही है, दिन काफी बड़े और देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे स्थानीय नेताओं की होड़ है, अब वो लोग ये नहीं देखते कि किसका प्रोग्राम है, किसको आगे होना चाहिए, किसको पीछे होना चाहिए, नहीं, बस ये है कि मोदी जी ने सभी को सेल्फी देना लेना सिखा दिया, तो आज सभी सेल्फी के आयोजक हैं और वो सेल्फी शाम को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपलोड होंगी, वो दिखाने के लिए है कि आज हम इतनी भीड़ के साथ में अपने नेता की अगुवाई कर रहे। और ये एक मिनट ईश्वर साहब आना प्लीज, तो अब मेरे साथ में ईश्वर सिंह आ गया कि ये करता धरता है उस रूम का, कंट्रोल रूम का। नमस्ते, मैं देख रहा हूँ कि आपका चुनाव अप है, हर जगह आपके भरपूर प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन भिवानी जो विधानसभा है, भिवानी के अंदर के जो लोग हैं उस नेताओं के अंदर भी था अपद अपी चाल रही है, क्या मानते हैं? नहीं देखिए, अपद अपी किसी के अंदर नहीं है, एक्चुअली क्या है कि सब जो आप अपनी ड्यूटी करें, शहर के अंदर खाने पीने की नहीं, अपद अपी खाने पीने की वैसे भी अपद अपी तरह मात रही है कि अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरा काम चल। देखिए क्या होता है, वर्कर है ना, वर्कर तब मैं भी थोड़ा मिलूं, मैं भी मिलूं, ठीक है ना, तो वर्कर को क्या है डिसिप्लिन के अंदर सारा काम होना चाहिए। वर्कर तो चाहेगा बस, सुनो आज सुनो, वर्कर तो चाहेगा, लेकिन थारे नेता पे चको ना अटना भी, जो कार्यकर्ता बड़े 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 जिन पेट आ रहे हैं वो नेता आगे खड़े रहे, उन्हें मिलने को अंदर जो छोटे कार्यकर्ता। नहीं देखिए, अब मैं तो आपको कुछ नहीं, अभी सारे के सारे, क्योंकि बाबू जी के पास टाइम नहीं था, उन्होंने कहा कि जो सब नेता ने बोला मेरे को कहीं और जाना, दूसरी जगह मीटिंग है इनकी, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के हमारे नेता हैं और हरियाणा के दिल्ली के प्रभारी ईश्वर जी, तो इनका क्या है भविष्यवाणी है जेएनसी की, अगर इस तरह माहौल रहा तो लगता है छेद भी सका आप लोगों ने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब जो साथी हैं उन्होंने कहा भी ठीक है आप सबको बाद में टाइम देंगे, आप सब मिलके जाना, मैं यही हूँ, लेकिन मैं एक बार थोड़ा स्पेस कर दूं, क्योंकि काफी देर से समय से ये महिला है, लेडीज बैठी हुई थी। ईश्वर जी आपके तो, जो कंट्रोल रूम है हाँ, उसकी व्यवस्था एक नंबर की है हाँ, तो नेता स्टेज पाने बाद नेताओं की जो व्यवस्था हुआ की बिगड़ गया। देखिए आज जो ना यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ एससीबीसी का सम्मेलन था और एससीबीसी का सम्मेलन दीपक बारे हमारे प्रभारी है, उसके आने से क्या है कि हर आदमी चाहता है कि मैं भी अपने प्रभारी जी से मिलूं, मैं भी मिलूं, लेकिन जिस समाज के नेता रहे, जिस समाज की अगुवाई करते हैं तो समाज के लोगों पर जब हम स्टेज पे उनकी अगुवाई दिखे, आपके नेता कोई और बैठे हुए हैं? नहीं नहीं, नेता कोई नहीं बैठे, सीनियर है, वो भी सब सम्मान के साथ स्टेज पर अनाउंस करके, और हमारे एससीबीसी के जो हमारे नेता है उन्होंने आज बुलाया है, जो आज सीनियर बनकर अपने मोहल्ले से अपने लोगों को टालने के लिए आए हैं कि अपने समाज का नेता आ रहा है, तो अगर उनको स्टेज पर जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या बीतते। देखिए आप, मैं तो आपको हमारे मनोज बागड़ी जी जो भी हमारे एससीबीसी सेल के जो है ना पूरे प्रदेश के अध्यक्ष है, वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए साथ में, दोनों हमारे दोनों जितने भी एससीबीसी सेल के हमारे सीनियर नेता है वो सब बैठे हुए हैं और सबने पहले स्पीच दी। ये मैं काफी दिनों से आपके ऑफिस की नेताओं की ये देख रहा हूँ चाल चलो, क्योंकि आपका चुनाव उठा हुआ है हाँ, आपके अंदर एक जोश है अलग दिख रहा है हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि यो जोश में घमंड में कि तो और बैठ जाओ जाके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए वर्कर के अंदर जोश आता है जब ये पता चले सत्ता आने वाली है, और सुनो वर्कर के अंदर दोस्तों खड़ा हाँ, जो नेता है जो उनके अंदर नारा दोस्त दिखा, वो नेता नु दिखा है सर, नेता खड़ा हो गया ना तो दिख गया लग गए, नहीं तो दिख कितने फील्ड में कौन दिखा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबकी ड्यूटियां बांट दी गई है और सब आज से जो है सबकी ड्यूटी अलग अलग आती है, सबके वार्डो के अंदर ड्यूटी लगा दी गई है, सबके गांव वाइज ड्यूटी लगा दी गई है, सब अपना कार्य पर जाएंगे और शाम को आके सब आज का प्रोग्राम होया है।
जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एससीबीसी समाज के मनो के अंदर लोगों के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर एक ठेस रही कि माना स्टेज को जाके नेता मिलने को नहीं दिया गया। देखिए स्टेज छोटी थी और आदमी ज्यादा थे, वक्ता भी बहुत ज्यादा थे, जिनमें से हमारे एक्स एमएलए भी आए हुए हैं, जिससे हमारे एससीबीसी के भी सीनियर नेता आए हुए हैं, लेकिन समय का अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाया। और ये सब माफी मांग ली थी सबसे, बाबरिया जी ने कह दिया था अभी समय का अभाव है। मन्नत भविष्यवाणी कर दी ईश्वर सिंह जी आप, आपके लिए क्योंकि ना तो आपके कार्यकर्ता में कमी दिखने लग रही ना आने वाले लोगों के अंदर कमी दिख रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से मैं वो कर रहा हूँ आपके, मैंने लुवारू किया, मैंने मंदिर भी किया, मैंने नालू मैं काफी जगह मैंने प्रोग्राम किए हैं, चाहे भाजपा की किसी की तो दिखता वो आदमी को बता देना चाहिए। लेकिन आज का माहौल ये है जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का चुनाव उठा हुआ और उसी तरह पे जो कहीं ना कहीं जो छोटे कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी है अपने नेताओं के बीच में, और वो अनदेखी कहीं ना कहीं उनको और दिशा में ना भटका दे क्योंकि कहीं और दिशा में 400 पार का नारा दे रखा है। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, देखिए ना ही हमारे वर्कर कोई भटकने वाला है, ना ही हमारा तो कोई किसी भी समाज नेता भटका देंगे। छत्तीस बिरादरी का नहीं नहीं छत्तीस बिरादरी के हमारे सब चौधरी रावधान सिंह के साथ है, पूरे प्रत्याशी के साथ भिवानी में लोकसभा के अंदर दिल जान से और दिन रात मेहनत तो हमारे सारे वर्कर करते हैं, और जो सीनियर नेता उनसे लेके और एक जो गली मोहल्ले का हमारा एक जो वर्कर है ना वो दिन रात बेचारा मेहनत करता है और आके सब रिपोर्ट करके बताते हैं अबे आज ये है आज ये है। और एक बताऊं आपको, कोई किसी किस्म का कोई किसी के अंदर मनमुटाव नहीं, कोई किसी के अंदर भेद नहीं है, सब नहीं नहीं इसको बात नहीं थी, वो क्या था कि खाली एक ये बात थी अभी जो ना आप थोड़ा समय कम है अभाव है आप जो ना स्पीच देने बजाय भूखे बैठ कर दो आप वैसे मिल लो और बाद में स्टेज बढ़ाने के बाद, क्योंकि महिलाएं बैठी हुई है और बेचारी सुबह से 9 बजे से बैठी हुई है। पता जी देखो मेरा सवाल था वो आपसे था, कोई अपन नेता बड़ा मिला मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन ये चीज कड़वा सा सही सी लोकसभा के लिए इसी हल्के के लिए और शहर के लिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर की एक ओड मची हुई है फोटो खिंचवाने की स्टेज पे बैठने की, वो मैं इनसे सवाल किया था और वो सवाल भविष्य के गर्भ के अंदर की बात है, कभी ऐसा ना हो कि वो सवाल कभी कहीं भविष्य के अंदर छेद जा किसी नेता के लिए किसी कार्यकर्ताओं को किसी नेता के प्रति। नहीं, नहीं 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 वो बात आपकी चलो ठीक है, आप चलो ओड होती है क्या होता है आके हर वर्कर चाहता है कि मैं डायरेक्ट अपने नेता से मिलूं, और तो होती है और ओड इसलिए होती है आके लोगों के अंदर उत्साह ईश्वर को पता है। बात सुनो एक मिनट, जब ईश्वर को पता है कंट्रोल रूम में बैठ के मेरा काम दिखेगा, जब ईश्वर को पता है मेरा कंट्रोल रूम में बैठ के काम दिखेगा तो ईश्वर शर्मा यहाँ पे आएगा नहीं। नहीं नहीं सुनो आप देखिए मेरी बात सुनिए आप, यहाँ क्या था कि वो खाली इसी वजह से इतना हुआ अभी समय का अभाव था, वर्करों के अंदर जोश है ईश्वर जी, लेकिन ये आपको बताता हूँ, सुनो आप ये बताता हूँ, अगर मान लो कहीं थोड़ा बहुत वर्करों के अंदर ज्यादा जोश होने की वजह से कुछ होता है आगे से दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, दुरुस्त हो जाएगा, दुरुस्त करने लग बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपको चुनाव के लिए क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आपका जो माहौल है वो दिख रहा है, चुनाव आपका उठा वो पूरा शहर बोल रहा है कि आज रावदान सिंह चर्चा में है, अब तो ये चर्चा है ये भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी तो क्या जो मैं देख रहा हूँ वो बताने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने का काम होता है जी, और ये लोकसभा चुनाव है क्योंकि अब तो 400 पार का नारा एक तरफ है और एक तरफ देश बचाने का नारा दे रहे, तो अब किस तरह से वो नारा बचेगा किस तरह से वो पार होगा, अब तो यहाँ के जो लोकल नेता है उनको ये बात सोचनी चाहिए अपने पार्टी के नेता के लिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा ऑफिस का दिखाने का काम किया, मैंने सारा आज आपको दिखाने का काम किया, लेकिन आखिरी का निचोड़ यो है कि यहाँ पे जो माहौल है वो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता अंदर क्या मैसेज आएगा वो तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, क्योंकि ये मैटर जरूरी था, सवाल बुझने लायक था, तो युवा चाह रहे हैं तो युवा का क्या कमाल रहा है क्या कर रहे हैं बुझना काम बताऊ क्या कमाल कर रहा है युवा, युवा बड़ी मेहनत कर रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए, प्रत्येक युवा अपने आप को प्रत्याशी समझ करके अपने आप को रावधान सिंह समझ करके बड़ी जैसे जंगे आजादी की लड़ाई हुई थी, आपके युवा के अंदर आपके जो नेता ना उनके अंदर होड़ मची हुई है स्टेज के नाम की, क्या मानते हैं होड़ दिखाने के लिए है या कुछ करने के लिए भी है? देखिए नेता हो कार्यकर्ता हो कोई भी हो, होड़ उसी समय मस्ती है कि जिस समय पार्टी सरकार की तरफ बढ़ रही होती है, सरकार पार्टी के अंदर मजबूती होती है, आप देख पार्टी तो सारी जिसके लिए आप वोट मांग रहे हो जिसके लिए आपके नेता वोट मांगना काम करते हैं, लेकिन नेता उड़े उड़े दिखे हैं बाद में कितने दाएं बाएं दिखे को नहीं, यानी अपने आप सेल्फी के लिए अपने स्टेज के लिए यानी मरे 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 तैयार हो रहे हैं, नए आदमी को होना चाहिए किस प्रकार का, कौन कहता है प्रोग्राम कौन कहता है नेता ग्राउंड के ऊपर नहीं है, कितनी जगह मैं आपको मिलता हूँ आप सर्वे करते हुए मिलते मैं मिलता हूँ ना, और भी साथी है अनेक तौर पे अलग अलग, मैंने सवाल किया
कि आज आपके नेताओं के अंदर होड़ मची हुई है, यो मेरा यो मना कर दिया, तो क्या मेरा करने से क्या आप लोगों को जीत मिल पाएगी? नहीं, कोई होड़ नहीं है, कोई होड़ नहीं है। प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी का समर्पित सिपाही है, कोई ओड नहीं है। ओड एक ही बात की है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन कांग्रेस क्षेत्र में जाएगी। आप नेता वो क्षेत्र नहीं जाएगी, आप नहीं ओड इस बात की है कि मैं 10 वोट लाऊं, मैं 20 वोट लाऊं, मैं 50 वोट लाऊं। आज आपके नेताओं के अंदर ये सिस्टम भी, फोटो का सिस्टम भी होता था ना, कि मैं भी चलो वो तो स्वाभाविक है। हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दीपक बाबरिया जी, वो तो स्वाभाविक है, गुलदस्ता देना, फोटो खिंचानी, वो होता भी है। बड़े नेता आते हैं, हमारे बॉस आते हैं, नेताओं को छोटे कार्यकर्ताओं को मौका आगे देना चाहिए, नेता तो पीछे रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता ही है, कार्यकर्ता भी खिंचवा रहे हैं, फोटो मिल रहे हैं, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन भाई साहब, कुर्सी का रोड़ा तो आपकी पार्टी में बढ़ गया, तो संदेश दिख रहा नहीं। कुर्सी का रोड़ा मतलब किस बात का? स्टेशन कुर्सी मिल जाए। देखिए, वो अलग अलग अपना अपना स्वभाव होता है, कोई रोड़ा नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है, प्रेम है। मैं तो आपने देखा सामने वाली कुर्सी बैठा था, मुझे और भी थे, लेकिन कोई रोड़ा नहीं है, ये सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता रोड़ा ही रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, लगिए रोड़ा ही रहा। नहीं, कोई और आ गया मेरे आगे, अभी तो नेता स्टेज भी। नमस्कार जी भाई साहब, कहां माहौल देख रहे हैं आपकी, युवाओं की मेहनत दिन रात बचत दिख रही है, क्या मानते हैं जी? देखिए, आज हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बाबरिया जी भिवानी के अंदर आए और उन्होंने एक अनुसूचित जाति का विशेष एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति के हमारे युवा, बुजुर्ग और माता बहनें शामिल हो रही है, और इसमें पिछड़े वर्ग का भी एक ही सम्मेलन है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैकवर्ड क्लास को, शेड्यूल कास्ट को क्या क्या चीज दी जाएंगी इस बारे में? हाँ जी, मेरा तो सवाल ये है कि आपकी युवाओं की मेहनत दिख रही है, लेकिन आपके जो स्टेज का प्रोग्राम है ना, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ, यानी होड़ मची हुई है नेताओं की, यानी हम अगर वहाँ बाकी पीछे रहे, जो मिलने आते हैं वो मिल पाते, आप इन नेताओं के चक्कर में क्या मानते हैं, लोकल नेताओं के चक्कर में? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि थोड़ा संयम बना के रखना चाहिए स्टेज के ऊपर, व्यवस्था बना के रखो, और बाकी क्या है कि अभी कांग्रेस का भाई साहब 10 साल बाद समय आ रहा है, तो थोड़ा पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के अंदर भी उत्साह है, आने वाले समय में ऐसी अव्यवस्था के ऊपर थोड़ी सी हम भी गौर करेंगे। अगर इसमें आपको मानते हो उत्साह है, अगर इन उत्साह से 5 लोग नाराज होते हैं तो क्या मानते हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई चुनाव का माहौल है, अब तो आपको नाराज को करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, देखिए, एक एक आदमी की नाराजगी से फर्क पड़ता है चुनाव में। आज हो सकता है कि थोड़ी सी अव्यवस्था स्टेज के ऊपर होगी, हो आने वाले समय में हम भी अपनी तरफ से गौर करेंगे। और जो आज का सम्मेलन है, ये अजय जी साहब बयां कर रहा है कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रति अनुसूचित जाति का और पिछड़े वर्ग का एक विशेष, जिस प्रकार से अब हमारे घोषणा पत्र में पैकेज निकला है। सर, ये इस तरह नहीं हो, विशेष में जिस प्रकार से नेता आज कुर्सी मांग रहे, कुर्सी के लिए बैठने के लिए तत्परस रहे या बातें उठ रहे, तो ये भविष्य में छेद भी सकती है बातें? नहीं 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 भाई साहब, देखिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें कुर्सी की छोटी मोटी बात है, उस पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा। पर जो मेन चीज, लेकिन स्टेज के ऊपर हो तो गलत होती है, नहीं होनी चाहिए। पंचायत हो, जब बड़ा फंक्शन हो, जब आप ऐसे कुर्सी के लिए जगड़ते दिखते हैं, तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज पूछ रहा हूँ। नहीं भाई साहब, देखिए, उसमें किसी ने कर दी, आने वाले समय में हम ध्यान रखेंगे, अनुशासन के हिसाब से स्टेज होगी। पर जो एक बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारे दलित भाइयों के लिए विशेष है, कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में 100-100 गज के प्लाट के साथ 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 कमरे मकान, लैटरिन बाथरूम बनाने के लिए भी देगी। और कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प है। अभी भाई आप तो दोगे तब ना बनेंगे, बनने के बाद दिया जाएगा ना। लेकिन मैं तो ये बात पूछ रहा हूँ, जो बनने से पहले की स्थिति है उस पर कैसे संभाला जाएगा, उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, जो आज नेताओं की बन रही इस क्षेत्र के अंदर, क्या मानते हैं यार? भीड़ तो आप आ रही है आपके पास, उम्र उम्र की भीड़ तो आप बस है, भीड़ की कमी तो है, लेकिन नेताओं की जो कमी है वो कभी किधर? बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जहाँ पे अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, वो ही संगठन आगे बढ़ेगा। आप लोग कुर्सी के लिए लड़ोगे तो वोट के मांगोगे ना भाई साहब? मैं कुर्सी के लिए आने वाले समय में हम ऐसा देखेंगे, कुछ आज होगी थी थोड़ी बहुत, आने वाले समय में हम स्वयं अपनी तरफ से अनुशासन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का मैसेज क्या जाएगा? आज का मैसेज ये है कि जो हमारी माता बहने, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति से आई हुई थी, नेता कुर्सी के लिए आपसी पुतला की दिखी नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके लिए कहूंगा नहीं होना चाहिए। चुनाव बुरा मत मानना, सब सवाल है, चुनाव इससे चुनाव क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के बीच का? देखिए भाई साहब, आपका व्यवहार, आपके शब्द, वो ही आपका भविष्य सुनिश्चित करते। आज हो गया, इसके ऊपर माटी डालो, आने वाले समय के अंदर कोशिश करेंगे नहीं। काम मीडिया का है,
मैं मट्टी डाल दूंगा, फिर लोगों को पता पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा। नहीं आपका काम है मतलब बताना, अब इस चीज के अंदर जो व्यवस्था होगी, मैं भी अब पीछे जाके तो नहीं बदल सकता, भविष्य के लिए ही बोल सकता। नेताओं को दिखाने के लिए आईना है, चाहे अभिजीत के रूप का हो, चाहे धीरज के रूप का हो, चाहे स्टेज के रूप का हो, चाहे किसी और लोगों के रूप का हो, तो ये प्रोग्राम था सब गलत नहीं जी है जो मैंने देखा। मैं वो पूछ रहा हूँ क्योंकि आज आप लोगों के अंदर ऐसा माहौल मचा हुआ कि आज कुछ ये पता नहीं एमएलए की बट रही है या एमपी खुद बन के जाएंगे है? नहीं शिवशंकर भारद्वाज जी मेरे साथ में आ गए। मैं सर आप सीनियर नेता है, आपका वहां पे क्या काम, आप तो पब्लिक के बीच में। मैं तो ये सुनना चाहता था कि दीपक बावरिया जी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे इंचार्ज हैं और इनकी गाइडेंस है, हम उसी गाइडेंस पे। एक सवाल है मेरा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा, जिस प्रकार से आपके नेता का प्रभाव पड़ रहा, उसी प्रकार से आपके लोकल नेताओं के अंदर कुर्सी का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा, यानी कुर्सी में मैं बैठूं या वो बैठा है, क्या मामला है? किसे ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, ये इंसानी जो फितरत है उसका नतीजा है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, सबको अपना काम करना चाहिए और जो काम है वही नाम दिलाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब जिस प्रकार से आप तो नेता है, अगर आप लोग मांगने अभी तो अपने लोग मांगने लोग जनता से है और अभी आप फिलहाल भी स्थानीय नेताओं का मांगने का कोई प्रश्न नहीं है, नहीं है ना? अभी प्रश्न सिर्फ एक है, बना हुआ सिर्फ दिख रहा है कि कांग्रेस ये कांग्रेस किसी तरीके से यहाँ से जीत के निकले। जीतेगी कैसे सर, जिस प्रकार से आप जैसे नेता को तो ओढ़ मची सर कि मैं आगे मैं पीछे मैं आगे मैं पीछे। सर आपने कभी देखा होगा डॉक्टर भारद्वाज ने कभी भी नेताओं की बात सर बाकी आपने देखा होगा कभी भी मैंने कोशिश नहीं की, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए, मैं तो नीचे बैठना ज्यादा पसंद करता हूँ, बल्कि सच्चाई है। डॉक्टर साहब जिस प्रकार से आपका चुनाव उड़ रहा, जिस प्रकार से आज नेताओं की होड़ है, ऐसे डॉक्टर साहब ये तो नहीं है कि कहीं ये और रूप चुनाव और रूप रूप ले ले? नहीं कोई और रूप नहीं लेगा, आप देखेंगे सब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और जो जितना काम करेगा ये काम दिखेगा, अपने आप दिखेगा। कभी तो संघर्ष बेकार नहीं जाता, काम किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। काम तो दिख रहा लेकिन कार्यकर्ता को होड़ भी दिख रही, कोई बात नहीं, ये होड़ स्वाभाविक होती है, इसको अन्यथा ना लें, ये होड़ स्वाभाविक है, ये एक किस्म से कंपटीशन है, कंपटीशन में और एक दूसरे से ज्यादा काम करें। सवाल करो हाँ, सवाल का भी मैंने आपको जवाब दिया है, आप देखेंगे बहुत अच्छी बात है कि अगर ज्यादा जो जो है हम समय काम पे लगाएं कि नेताओं की एकता दिखेगी लोगों के बीच में, कि कांग्रेस पार्टी तो लोगों का व्यवहार बना हुआ कि इनमें आपसी फूट पड़ रही है, आपसी फूट पड़ी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से आप जो दिखेगी वो बीजेपी की पॉलिसीज दिखेंगे, कितनी बेरोजगारी हो गई है, संविधान का सत्यानाश कर दिया है, ईडी को पीछे लगा दिया है। और मोदी सवाल घुमाओ दिल्ली के लिए जाओ, बात नहीं आप कह रहे हो कि ये दिखेगा, ये दिखेगा कि किसी तरह जो भी बोलता है उसके पीछे ईडी लग जाता है, दिख रहा है ये दिख रहा है। आप देखेंगे आज प्रजातंत्र का गला घोट दिया, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया, मैंने जो बात की बिल्कुल क्लियर और बढ़िया जवाब दे दिया, बढ़िया आपको सच्चाई बताई है, आप कुछ भी सोचिए भाई, एक तरफा लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की, यार ये जो आप बता रही थी डॉक्टर साहब को, एक बड़ा परिवार है, मैं नहीं बता रहा, आज आपका प्रोग्राम दर्शाना था। हमेशा एक हर एक आदमी की लालसा होती है अपने नेता से मिलने की, और वो एक लालसा की एक झलक थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में इतना उत्साह और जोश भरा हुआ है कि वो आज सारे कार्यकर्ता है तो शेष पे काम के है, अगर सारे नेता है तो सारे देखो कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, कार्यकर्ता को मिलना ही चाहिए, लेकिन कुछ व्यक्ति कुछ भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक तो नहीं जाएगी ना, ना ना पार्टी एक तरफा काम कर रही है और सारी शीर्षक नेतृत्व भी एक मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया है, ये सारा भाईचारा सभी वर्ग के लोग सभी धर्म के लोग एक साथ का इकट्ठे कर दिए, मोदी ने तो बढ़ा दिया भाईचारा, अच्छा काम किया मोदी, और कोई अच्छा मोदी ने तो वो भाईचारा बढ़ा दिया, आप लोग कैसे बढ़ाओगे? अजय भाई साहब एक टीम कार्यकर्ता है, दिल से काम कर रहे हैं और वो उससे आगे और वो उससे आगे वैसे चल रहे हैं, ये मोदी सर जाने वाले योग भाई होते नहीं, मेरा सवाल काले कितना नहीं नेताओं ने कहा, हां नहीं नेताओं का नहीं, एक्टिव कार्यकर्ता गए हैं ऊपर। नमस्कार जी, तो क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम क्या रूप देगा, किस प्रकार क्या दर्शाएगा और किस प्रकार की बातें रहेंगी? जी एससी बीसी और ओबीसी का प्रोग्राम था, आपने देखा कितना जोश जुनून है लोगों में, उसका कारण यही है
कि बीजेपी की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश नीचे जा रहा है, बीड़ दशा रही। जिस प्रकार से आज आपके लोकल नेताओं की बात करो, उनमें भी एक ओड मची हुई कुर्सी के नाम की, वो कुर्सी नाम की ओड या तो नहीं है कि चुनाव आते जाते बस कुर्सी के नाम की ओड नहीं है, ये बदलाव की नहीं। ओड्डा साहब का प्रोग्राम मैंने तब भी देखा था, मैंने और नेता है मैंने तब भी देखा था, और आज भी मैंने ये चीज देखने का काम किया और मैंने वीडियो बनाया, पूरी लंबी वीडियो बनाई है इस मामले में, और कि राव दान सिंह का भविष्यवाणी की है, राव दान सिंह आप लोग भविष्यवाणी करेंगे, राव दान सिंह जी 100% कम से कम 2.5 से 3 लाख वोट जीतेंगे। जब आप कार्यकर्ता एक दिखेंगे, एक है सारे, आप कार्यकर्ता तो ओड में सब एक है, आप कार्यकर्ता अंदर एक ओड मची है कौन ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाएगा, और ये और तो आज सेल्फी का भी मची हुई आज के दिन जिताने के लिए और मची हुई है। रावदान सिंह जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, 100% जीत का होगी। ये मेरे सवाल थे जो मैंने करने का काम किया, लेकिन ये है जी, ये प्रोग्राम था और ये माहौल है आज के दिन सीआर रिसोर्ट का। अब दीपक बावरिया जी प्रभारी वो आए थे और इन्होंने लोगों को संबोधित करने का काम किया। आज देखते हैं किस किस की क्या क्या ड्यूटी लगी है, लेकिन ये है कि ड्यूटी लगी है वो लगी है, तो आप देखते हैं भविष्य में गलम है 25 मई को कितने वोट के अंदर ये भीड़ तब्दील हो पाएगी। जे एन सी नोशे अजय नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।